एक खूबसूरत दुल्हन के अरमान बहुत थे, जिंदगी जीने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि लोग दंग रह गए। अभी अभी शादी हुई थी, जिस घर से डोली उठी थी उसी घर से अलथी उठी है। यह बेहद सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के सागर के सुरगी थाना के ढाना क्षेत्र के जसराज से सामने आया है, जहां नई नवेली खूबसूरत दुल्हन ससुराल वालों के दहेज का शिकार हो गई। उसे तो लंबी उड़ान भरनी थी, लेकिन वो ससुराल वालों के आंग घुटने टेक हो गई और जिंदगी को खत्म कर दिया। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। असल में जसराज की रहने वाली सुगंधा की शादी कुछ वक्त पहले शाहपुर के गणेशगंज के रहने वाले आशीष से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन सब कुछ ठीक चला जो चलता रहा है, लेकिन फिर ससुराल वाले सुगंधा को परेशान करने लगे, कार की डिमांड करने लगे। वो रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले आई और मायके में आकर खुश थी। वो ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन बीता और ससुराल जाने की बात आई वो दुखी हो गई। वह ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। फिर बीते दिन खबर आई कि सुगंधा ने मायके में ही दुनिया को अलविदा कह दिया, फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या कर ली। भरत त्यौहार, राखी के त्यौहार, मेरी बहन ने फांसी लगा ली। कारण क्या रहा? कोई अपने मन से फांसी नहीं लगाता, हम लोग तो भाई हैं, उनको प्रताड़ित करेंगे नहीं। उसकी ससुराल पक्ष से जितने प्रताड़ित हुई है, एक साल से परेशान थी वो। किस प्रकार प्रताड़ित किया है उन्होंने? उसको दहेज को लेकर हमने अपनी जितनी गुंजाइश थी कर्जा करके भी उसकी अच्छी शादी की थी, लेकिन लड़की को चाहिए थी क्या 4-व्हीलर। हमने जो गाड़ी दी थी अभी उसने चाबी तक नहीं फंसाई। आज भी गाड़ी जो कितने खड़ी, उसने भी एक बार चाबी नहीं फंसाई हमारे बहन ने। डेली मारपीट करता था, उसका अफेयर है, इसलिए हमारी बहन के लिए वो अबॉर्शन का 2 बार अबॉर्शन करवाया उसने, मारपीट करके। क्या नाम था आपकी बहन का? बहन का क्या नाम था? सुगंधा। और इनके पति का नाम? आशीष था। बहन भाई हमारी भतीजी है वह। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शांति भाई। कहाँ से आई हूँ? देवरी से आए। क्या घटना हुई है, क्यों यहाँ पे आप लोग ये सब लेके आए? ये घटना भाई है कि बच्चे भुंसा रहे हैं, बाप मतारी चले गए, एक माने खारी उठने थी कोनों की, रिश्तेदारों में चले गए। एक भैया चले गए अपनी ड्यूटी को, एक भैया चले गए बकारियों में, मोड़ी हती अकेली घर है। सो ये लड़का ने फोन लगाओ, सो उल्टो चमंडो जो वातावरण करो हो, सो मोड़ी ने फांसी टांग ली। अच्छा उसको ताड़ना बहुत हती कि दहेज की ताड़ना दें तो कि 4 पहियों की गाड़ी तेरे बाप ने क्यों नहीं दी। जब शादी की तो कितना दहेज दिया था आप लोगों ने? 2 पहिया गाड़ी दाई। 2 पहिया दही है, 2 पहिया दही। कितने लाख की शादी की होगी आप लोगों ने? 9-10 लाख की शादी करी है। हाँ सर, वो मेरी मामा की लड़की का साव है, उसमें मेरी मामा की लड़की से हमेशा बात होती रहती थी, तो वो यही बताती थी कि भैया मैं मतलब बहुत गलत घर में आ गई हूँ, और जो उसको मतलब लड़के का अफेयर वगैरह बताती थी कि उसकी जो माँ थी और उसकी बहन थी वो एक दूसरी लड़की को लाते थे और उसको रूम में घुसा देते थे, और इसको बोलते थे कि तू बाहर रह, और रहना है तो रह, नहीं तो तू जा। और उसका 2 बार उन लोगों ने अबॉर्शन भी करवाया है, बच्चा रोका इन लोगों ने, ज़बरदस्ती उसको टेबलेट खिलाई और अबॉर्शन करवा दिया। और एक बार जब बीमार हो गई तो उसके साथ मारपीट भी हुई और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उसके लिए ये लड़का है ना, अस्पताल लेके घूमता रहा, लेकिन हम लोग थोड़ा खानदानी तौर पे मतलब सहते रहे कि जो भी बात है। बताओ ये जो प्रताड़ना दी है, कभी आप लोगों ने उस घर में जाकर समझाइश दी क्या ससुराल पक्ष? समझाइश दी, लेकिन वो गुंडागर थी, वो हमेशा यही बोलते थे कि तुम लोग नंगे घर से हो, नंगा पक्ष के हो। तो ये लड़का ना उसको इलाज करवाता रहा है, ये भी हमारी मौसी का लड़का है। आप लोगों ने वहाँ सूचना दी होगी कि खत्म हो गई आपकी सिस्टर? कोई आया? कोई नहीं आया। वजह साफ है, ससुराल वाले उसे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो इस जमाने को छोड़कर चली गई। घर वालों ने बड़े धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की थी, बाइक और सभी प्रकार के दहेज दिए थे, लेकिन दहेज के दानवों ने इस खूबसूरत दुल्हन को जीने नहीं दिया। अब वो चली गई।
राहुल सिंह हिलगन सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाणा। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।